ये दास्तां है एक ऐसी हीरोइन की जिसने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्मों तक का दौर देखा, टेलीविजन पर भी बतौर होस्ट नजर आई। नाम है इनका कामिनी कौशल। गोली चूक गई। बड़े शिकारी बने हो बाबू तो शेर का शिकार करो ना, दालाटे का भाव पता चल जाइए। कामिनी कौशल का दरअसल जन्म का नाम था उमा कश्यप। जन्म हुआ था लाहौर में, तारीख 24 फरवरी सन 1927। ये अपने दो भाई और तीन बहनों के बीच में सबसे छोटी थी। इनके पिता प्रोफेसर शिवराम कश्यप रहे, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बॉटनी पढ़ाया करते थे। प्रोफेसर कश्यप का नाम भारतीय बॉटनी के लिए बहुत मशहूर माना जाता है, पर दुख की बात यह रही कि ये मात्र 7 बरस की थीं जब इनके पिता का देहांत हो गया। इस दुनिया में मैंने सिर्फ दो इंसानों को चाहा, तुम और पिताजी, और तुम दोनों एक ही रात में मुझसे छीन लिए गए। कामिनी कौशल ने इंग्लिश लिटरेचर में अपना बीए ऑनर्स किया कन्नड़ कॉलेज लाहौर से। उस वक्त कामिनी कौशल की मुलाकात हुई मशहूर मारुफ डायरेक्टर चेतन आनंद से, जो अपनी पहली फिल्म बना रहे थे नीचा नगर। कामिनी कौशल वाकई आजाद ख्याल लड़की रही। यह आकाशवाणी के लिए काम करती थी तो स्विमिंग भी करती थी और स्केटिंग भी। देश की आजादी की जंग जीत कराओगे तो लोग जोश में आकर तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेंगे, तुम्हारी जय जयकार के नारे लगाएंगे और तुम्हारे गले में फूलों के हार पहनाएंगे। तब मैं भी एक कोने में खड़ी फूलों का हार लिए तुम्हारी राह देख रही होंगी। कामिनी कौशल बतौर हीरोइन अपना करियर चुनी रही थीं और इनके रोमांस की खबरें दिलीप कुमार साहब के साथ भी बढ़ी रही थीं, और ऐसा लग रहा था कि दिलीप कुमार और कामिनी कौशल शादी कर लेंगे। तभी एक ट्रेजेडी हुई। अब तुम्हें जाना चाहिए लेकिन जाने को जी नहीं चाहता। जाना तो होगा ही। मगर तुम्हारी जुदाई। इस त्रासदी में इनकी बड़ी बहन का देहांत हो गया। ये कार एक्सीडेंट था। इनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और उनकी दो छोटी छोटी बच्चियां थीं। बस कामिनी कौशल ने तय कर लिया कि ये अपने जीजा जी से शादी करके अपनी बहन के बच्चों का ख्याल रखेंगी। इस शादी से कामिनी कौशल को भी 3 बच्चे हुए, राहुल, विदुर और श्रवण। और यही वजह रही कि दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की शादी ना हो सकी। प्रेम के जुए में मैं अपना जीवन तक हार चुकी हूँ। अब मेरे पास क्या रह गया है जो तुम लेने आई हो? बिना कहे के सब तार टूट चुके हैं। अब तुम्हें उससे एक भी खुशी का राग नहीं मिल सकता। और ये बात भी हैरान करती है कि कामिनी कौशल का असली नाम तो उमा कश्यप था, फिर इनका नाम कामिनी क्यों रखा गया? बात दरअसल यूं रही कि जब चेतन आनंद फिल्म नीचा नगर बना रहे थे तब उनकी बीवी उमा आनंद भी उस फिल्म का हिस्सा थी, तो एक ही फिल्म में 2 उमा नहीं हो सकती थी। इसलिए उमा कश्यप से बोला गया कि क्या तुम्हारा नाम बदला जा सकता है? तब इन्होंने कहा कि नाम रखना है तो क अक्षर से रखना, क्योंकि मेरी बहन की बेटियां उनका नाम भी क से है, इसलिए इनका नाम कामिनी पड़ गया। मदर, यही तो अफसोस है कि तुम मेरे बाप की बीवी हो और मैं तुम्हें माँ कहने पर मजबूर हूँ। नहीं तो तुम क्या करता? क्या करती? अपने घर में आग लगाने वालों को चला डालती। कामिनी कौशल अपने जमाने की पहली हीरोइन रहीं जिन्होंने शादी के बाद भी फिल्मों में काम जारी रखा। अशोक कुमार हों के राज कपूर, देवानंद हों के दिलीप कुमार, इन सभी के साथ कामिनी कौशल ने काम किया। सुनो विनोद, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि दुनिया की नजरों में तुम मेरे पति हो, और मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कि मैंने मजबूर होकर तुमसे शादी की है। तुमने मुझे खरीदा है, तुम्हें खरीदी हुई चीज से प्यार न मिलेगा, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये बात भी आपको हैरान करेगी कि कामिनी कौशल पहली हीरोइन रहीं जिनके लिए लता मंगेशकर ने प्लेबैक दिया। बाकी की हीरोइनों का नंबर बाद में ही आता है। फिल्म का नाम था जिद्दी, साल था सन 1948। उससे पहले लता मंगेशकर साइड कैरेक्टर्स के लिए गाने गाया करती थीं। तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? नहीं तो तुम क्या समझोगे? किसी की सूरत देखना मेरा इलाज है, किसी की बातें सुनना मेरी दवा है, मगर कौन जाने वो कहाँ है। धीरे धीरे वक्त बीता, कामिनी कौशल कैरेक्टर रोल्स में आ गईं, चाहे वो मनोज कुमार साहब की फिल्म रही उपकार, शहीद, पूर्व व पश्चिम, या फिर राजेश खन्ना साहब की फिल्म प्रेम नगर। आजकल जब सब काम आप अपनी ही मर्जी से करने लग गई हैं, तो एक काम और भी कीजिए, हम सबको थोड़ा सा जहर दे दीजिए, फिर आपके जो जी में आए करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये क्या कर रही हो तुम? न जाने दिन ब दिन क्या होता जा रहा है आपको। पहले इस घर में मेरी ये सास शराब क्या कम थी,
जो ऊपर से गुंडे और आवारा लोगों को भी घर में ला बिठाया है आपने। देखिए, ये बात बहुत हैरान करती है कि दिलीप कुमार कामिनी कौशल को बहुत पसंद करते थे, पर चूंकि कामिनी कौशल ने रोमांस के बढ़ने से पहले ही शादी कर ली थी, इसलिए ये रिश्ता ना हो सका। तुम जरूर आया करो, मुझसे बातें किया करो, लेकिन ये कभी ना सोचना कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। उसके बाद दूरदर्शन पे नजर आई, इन्होंने बड़ा मशहूर कठपुतली का खेल बनाया था। 1984 में ये नजर आई थी द जूल इन द क्राउन, जो कि एक बड़ा ही मशहूर ब्रिटिश टेलीविजन सीरियल रहा। इनके चरित्र का नाम था आंट शालिनी। कड़क कर बात मत करो, ये रोबोट में दफ्तर में दिखाना। तुम क्या समझते हो मैं अपना जीवन तुम जैसे देशद्रोही के हवाले कर दूंगी? सूरज देखिए आईने में। कामिनी कौशल वाकई उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास को अपने सामने बनते देखा है। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।